हे फूडी, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज आपके साथ मैं रक्षाबंधन स्पेशल में चॉकलेट बॉल्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही यम्मी है और बनाने में ये बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है। यकीनन ये सबको पसंद आने वाली है, सिर्फ बच्चे नहीं बड़ों को भी ये बहुत पसंद आने वाली है। रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ हाफ चॉकलेट केक लिया है, ये भी मैंने घर पर ही बनाया था। जो मेरी लास्ट रेसिपी थी चॉकलेट कपकेक्स, उसी का है ये। मैं हाथों से इसे क्रम्बल कर लूँगी इस तरह से। आप चाहे तो ग्राइंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास घर में केक नहीं है तो आप बिस्किट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एकदम फाइन पाउडर करना है, ये बहुत ही सॉफ्ट है इसलिए इजीली हाथ से मैं कर पा रही हूँ क्रम्बल। आप इसमें किसी भी तरह के फ्लेवर का केक का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई भी बिस्किट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए ये तैयार हो चुका है, इस तरह से आपको रेडी करना है। अब मैं इसमें चॉकलेट सॉस का इस्तेमाल करूंगी। ये चॉकलेट सॉस की रेसिपी मैंने घर में बनाई है, ये रेसिपी ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई है। आप ऊपर आई कार्ड में देखिए, मैं इसके लिंक दे दूंगी। आपको अच्छा खासा चॉकलेट सॉस ऐड करना है। अगर आपके पास घर में चॉकलेट सॉस नहीं है तो आप किसी भी तरह की सॉस, कोई और सॉस या बाजार से कोई मिलने वाली सॉस, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ, करीबन 2 टीस्पून जितने, और किशमिश भी है। आपके बच्चों या आपके भाई, जिसको जो पसंद है, आप अंदर ऐड कर सकते हैं। एक अच्छा सॉफ्ट डो बनाना है। अगर आप सॉस कम डालेंगे तो बॉल्स अच्छे से नहीं बनेंगे, तो सॉस अच्छे से डालिए ताकि आपके बॉल्स, जब आप इसके बॉल्स बनाए तो टूट ना जाए। ये देखिए ये रेडी हो चुका है। अब मैं इसके बॉल्स बनाना शुरू करूंगी। अगर आपको लगता है कि डो एकदम सॉफ्ट बना है तो आप पहले इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, उसके बाद इस तरह से इसके बॉल्स बना लें, या आप बॉल्स बना के भी इसे फ्रिज में रख सकते हैं। इसी तरह से सारे रेडी कर लें। है ना एकदम इजी, घर में पड़ी चीज़ों से आप बना सकते हैं ये बहुत ही इजी और बहुत ही यम्मी सी चॉकलेट बॉल्स की रेसिपी। ये देखिए मैंने इसे 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था, ये काफ़ी सख्त हो चुके हैं अभी। और साथ ही साथ मैंने एक पार्चमेंट पेपर ले लिया है। मैंने अपनी पसंद की चॉकलेट ली है, सिर्फ डार्क चॉकलेट, इसे मैंने मेल्ट कर लिया है। आप जिस भी फ्लेवर की चॉकलेट लेना पसंद करते हैं, इस तरह से मेल्ट कर ले, इसे अच्छे से मिक्स करिए ताकि कोई लम्स ना रह जाए। और एक एक करके ये बॉल को अंदर डिप करके अच्छे से चॉकलेट से कोट कर लीजिए। एक्स्ट्रा जो भी एक्सेस चॉकलेट है इस तरह से निकाल के आप ये पार्चमेंट पेपर पे इस तरह से रख दीजिए। सारे बॉल्स को इसी तरह से कोट करना है चॉकलेट में। सारी जगहों से अच्छे से कोट करना है और इसे हम करीबन 5 या 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। मेरे पास यहाँ स्प्रिंकलर्स है तो मैं वो ऐड कर रही हूँ। आपके पास जो भी चीज़ है, अगर कुछ नहीं है तो ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं ऊपर, थोड़ी अच्छा लुक देगा एक। अब मैं इसे कम से कम 5 या 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दूंगी ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। ये देखिए 5 मिनट के बाद मैंने इसे निकाल लिया है। इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा चॉकलेट आपको दिखे
वो निकाल लेनी है और मैं इस तरह से इसे सजाने के लिए एक प्लेट में रख दूंगी। इसी तरह से सारे रेडी कर ले। अगर कोई भी हिस्सा अच्छे से नहीं निकल रहा है तो आप इस तरह से नाइफ की मदद से भी इसे स्क्रेप कर सकते हैं ताकि अच्छा इसका शेप आ जाए। है ना एकदम फटाफट बनने वाली ये रेसिपी। मिठाई तो हमेशा हम बनाते ही हैं, लेकिन आप होप ये रेसिपी पसंद करें और घर में बनाएं और कमेंट्स के जरिए हमें बताएं ये रेसिपी कैसी बनी।